जबलपुर के बरगी विधायक के बेटे ने की खुदकुशी। लिखा, मेरा दोस्त ऊपर गया, मैं उसके पास जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के छोटे बेटे विभव ने गुरुवार दोपहर पिता के रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिसके बाद भंडारी हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पहली बार कांग्रेस से विधायक संजय यादव के दो बेटों में से एक छोटे बेटे विभव ने जिस वक्त ये आत्मघाती कदम उठाया, उस वक्त बड़ा भाई समर्थ पेट्रोल पंप में गया हुआ था। वहीं पिता ग्रामीण बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, जबकि माँ किसी काम के सिलसिले में भोपाल गई हुई थी। घटना के वक्त घर में केवल नौकर हरिनाथ था। गोली की आवाज सुनकर जब हरिनाथ कमरे में गया तो विभव खून से लथपथ पड़ा था। घटना की जानकारी संजय यादव को मिलने के बाद आनंद फानंद में विभव को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि विभव 12वीं क्लास में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। वहीं मौके में चार पन्ने की सुसाइड नोट में विभव ने लिखा है कि मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, मेरा दोस्त ऊपर चला गया, मैं उसके पास जा रहा हूँ। इस सुसाइड नोट को उसने अपने 5 दोस्तों को मैसेज किया था। वहीं घटना की जानकारी प्राप्त होते ही विधायक इंदु तिवारी, तरुण भनोट, विवेक तनखा सहित कई नेता संजय यादव के घर पर पहुंचे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नहीं, सभी लोग हैं सर, कोई थोड़ा पीछे कर लो, पीछे लगा लो भाई, सामने थोड़ा पीछे कर लो यार। बड़ी बड़ी घटना सामने आई है, नीचे करने जा रहा है। विकास पर विधायक ने उसको गोली मारी है, क्या कारण था सर इस सुसाइड का, क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? ये तो ये हमको सूचना मिली करीबन 4 बजे करीब की, हमको सूचना मिली अरे आईडी छुप रही थी घर पर, उनके पुत्र ने स्वयं को वॉल्वो से जो है गोली मारी, जिसमें उनको तत्काल जब यहाँ पर गाड़ी कर लाया गया। कौन में कर रहा है मोबाइल तो क्या सुसाइड में कहता है सर, और क्या लाइसेंस? ये एक सुसाइड है और इसमें पिस्टल भी घटनास्थल से मिली है और एक सुसाइड नोट भी मिला है और पुलिस की जांच लगातार जारी है। सर क्या सुसाइड नोट में क्या लिखा है, क्या जिक्र है? क्या जिक्र है? ऐसा कुछ क्लियर कट उसमें कारण अभी तक समझ नहीं आया है, क्योंकि घटना को अभी कुछ समय हुआ है, पुलिस की जांच अभी और। पिस्टल के बारे में क्या जानकारी है, किस तरह से रखी है? अभी ऐसा बताया गया कि वो लाइसेंस ही है, वो भी आगे चल करके उसमें भी आगे हम कार्रवाई और सारे हर पहलू की जांच इसमें। अपने सर माता पिता की तारीफ करते हुए दोस्त के पास जाने की बात कह रहे हैं, उसको तो बता रहे हैं क्या बात? वो अभी परीक्षण का विषय है, आप जो बता रहे हैं वो तथ्य परीक्षण कराना पड़ेगा। अभी तक मैं ये कहना चाहूँगा कि इसने सुसाइड नोट मिला है, वेपन जिससे उन्होंने ये घटना कारित की है वो मिला है, उसमें सुसाइड ही है और पुलिस की जांच उसमें। थैंक यू।